परम पूज्य 108 विनीत सागर जी महाराज के चरणों में सहस्त्र नमस्ते। आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व के अंदर भगवान महावीर का जन कल्याण महोत्सव मनाया जा रहा है और महावीर भगवान का यह जन कल्याण महोत्सव हम सबके लिए नया संकल्प नई दिशा देने का उत्सव है। कि हम भगवान महावीर के बताए गए विचार उनकी शिक्षाएं उनका दिया गया आध्यात्मिक ज्ञान देश के हर जन जन में पहुंचे और हर व्यक्ति भगवान महावीर की शिक्षाएं उनके विचारों को आत्मसात करते हुए अपनी बेहतर जिंदगी की राह बनाए। चौबीसवें तीर्थंकर भगवान महावीर जी ने दुनिया को समय संदेश दिया था कि जब पूरे विश्व में अशांति थी शासकों में जनशक्ति के आधार पर बल शक्ति के आधार पर एक देश में अशांति का वातावरण था पूरे अशांति का वातावरण था उस समय अपनी तप और तपस्या से जो उन्होंने प्राप्त किया जो उन्होंने उस कठिन तपस्या से सांसारिक जीवन में प्राप्त कर दुनिया को सत्य और अहिंसा का एक संदेश दिया था। आज भी वर्तमान परिस्थिति के अंदर भी दुनिया के अंदर सत्य अहिंसा शांति का विचार और संदेश आज भी प्रासंगिक है। अगर हम भगवान महावीर के विचारों को आत्मसात करें उनकी शिक्षाओं का आत्मसात करें तो उन्होंने जो तप तपस्या से प्राप्त किया था आत्मशुद्धि और संपूर्ण जैन धर्म केवल जैन समाज के लिए नहीं संपूर्ण मानव समाज के लिए आत्मशुद्धि और आत्मशुद्धि के बल पर आत्मबल ये आज की आवश्यकता है। भगवान महावीर जी ने जहां पर कहा था कि अपने जीवन में सत्य हो सत्य विचार हो सत्य पर कार्य करें वहीं पर उन्होंने अहिंसा के माध्यम से अहिंसा केवल मनुष्य के लिए नहीं जीव जंतु लेकर जिसमें भी प्राण है उन सबके लिए उनका दया भाव करुणा का भाव हम सबको आज भी दिशा देता है। आप परिग्रह जो कुछ भी है समाज के लिए और ये भारत की संस्कृति और संस्कार ने कोरोना वैश्विक महामारी के समय बताया
कि जिस तरीके से अभाव में रहने वंचित लोगों की संपूर्ण समाज ने सामूहिकता के साथ सेवा की, जो कुछ भी समाज से प्राप्त किया, समाज को समर्पण किया, वो भगवान महावीर के विचार है। ब्रह्मचर्य हो, अष्टमेय हो, इन सारे विचारों को अगर हम लेते हैं तो हमें लगता है कि आज के जीवन में वो प्रासंगिक है। और मनुष्य जीवन के अंदर सात्विक और शांति से जीना है, अपने मन में आत्मशुद्धि हो। हमारे ब्रह्म बाहरी हिस्से में कितने भी हमारे लिए चुनौतियां हो, कठिनाइयां हो, कितने भी कष्ट हो, लेकिन हमारी आत्मशुद्धि है, हमारा आत्मबल है, तो हम कभी विचलित नहीं होंगे। और जब विचलित होता है तो व्यक्ति हिंसा करता है, क्रोध करता है। और इसलिए भगवान महावीर ने अहिंसा क्रोध को संयम बरतते हुए अपने जीवन जीने की राह बताई है। ऐसे महाराज विनय सागर जी महाराज बैठे हैं। इस देश में हजारों संतों ने अपने जीवन को तप और तपस्या में और तप तपस्या प्राप्त करने के बाद समाज को आध्यात्मिक जीवन के लिए जो दर्शन दिया है, इस समाज में नई रोशनी दी है, नया उजाला दिया, नई राह दिखाई है। मैं उन सब संतों के मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूं कि आपके कारण ही आज देश और दुनिया के अंदर जो आध्यात्मिक ज्ञान आप देते हो, जो तप और तपस्या और कठिन परिश्रम से आपने जो प्राप्त किया है, भगवान महावीर के विचार दुनिया में आप पहुंचा रहे हो, जिससे दुनिया के अंदर शांति और अहिंसा बनी हुई है। हम आज के दिन इसी संकल्प के साथ कि हम भगवान महावीर के विचारों को, उनकी शिक्षाओं को आत्मसात करें, और भगवान महावीर ने जो जीवन जीने की राह बताई है, जो रास्ता बताया है, दुनिया को वह जीने की राह और रास्ता बताने का काम करें। तो ये जिस कल्पना की हम बात करते हैं, जिस समाज की हम बात करते हैं कि भारत ऐसा समाज होना चाहिए, वह समाज जभी बन सकता है जब महावीर भगवान के विचारों, उनकी शिक्षाओं को समाज के जन जन तक पहुंचाए, तो इस समाज में एक व्यापक परिवर्तन आ सकता है। सामाजिक और आध्यात्मिक परिवर्तन करने के लिए भगवान महावीर की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक है। मैं पुनः 108 विनय सागर जी महाराज में के चरणों में सहस्त्र नमस्तु करता हूं। और इस कार्यक्रम में जो लगातार सक्रिय रहते हैं, विमल जैन जी, महामंत्री विनोद जी और सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। और इसी तरीके से वो महावीर भगवान का जन कल्याण महोत्सव मनाते रहें और समाज में जीने की सही रास्ता और दिशा बताते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जय भगवान महावीर की जय।